अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोग भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो ये है मेरे साथ इब्राहिम। इब्राहिम ये देखो इब्राहिम, तो मैं ना बैठी हुई थी इब्राहिम को लेके, तो मैंने सोचा आज मुइज़ का आते हुए व्लॉग बनाते हैं। मुइज़ गया हुआ स्कूल, तो चले किचन का तो रोज़ ही होता है, तो चले आज मोइज़ अली का ना आते देखते हैं। गर्मी बहुत है तो मैं देखती हूँ मोइज़ स्कूल से आता है कैसा। आज उसकी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब स्कूल से आता है तो मैं उसके साथ क्या करती हूँ, वो कैसे आता है, किस हाल में होता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर दें। मैं नई वीडियो बना रही हूँ, तो आज शुरुआत मैंने की। आगे मोइज़ करता है, कहता है मामा खुद आदत डालें, आप बनाया करें, मेरे तो आगे बिजी दिन शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर बात, मैंने स्कूल भी जाना होता है, अकेडमी भी जाना होता है, और मैंने घर में भी काम करना होता है, तो इसीलिए हमारी ना डेली वीडियो रात 9 बजे हम लोग अपलोड करते हैं। तो मैं ना इब्राहिम खुद ही खुश हो ही जा रहा है, ये देखे मेरी गोदी में बैठा हुआ इब्राहिम, इधर देखो। तो मैंने सोचा भी चले मैं ना वीडियो खुद ही बना लिया करूँगी, और मोइज़ तो सपोर्ट करता ही है माशाल्लाह। चलें देखते हैं, मोइज़ का आने का टाइम हो गया है, तो मोइज़ को देखते हैं। आ गया जी मोइज़, ये देखे मोइज़ आ गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आज मैंने वीडियो का ना शुरू कर लिया, गेट बंद करना शुरू हो गया। आज मैंने आप कहते हैं वीडियो शुरू कर ली है। इधर आ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ। बाजी भाई के लिए पानी ले के आ जा रहा है, आते ही शूज तारे। हाँ जी हाँ जी, देखना अब मोइज़ लाम लेट होने लगा है, गर्मी बहुत है। ये है मोइज़, चले पकड़े, मैं आपके लिए पानी लेके। मैंने जामेश्वरी इसलिए नहीं बनाया, कहता फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाता। तो मैं स्कूल से आ गया, मैं थका हुआ हूँ अभी, ऊपर मैंने पंखा चला लिया है तो आवाज़ कम आया। तुम देखना स्कूल से अभी आया, तो मामा ने वीडियो को शुरू कर लिया था, तो मैं फ्रेंड के साथ आया था, तो आया तो मामा ने कहा जी ये है मोइज़, गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर, तो आज मैंने कहा अभी मोइज़ की रूटीन मैं ना शेयर करती हूँ। वीडियो का मैंने शुरू, व्लॉग का शुरू मैंने खुद कर लिया, ये लाम लेट हो गया। सीधे हो गए तो लेट मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या किया स्कूल में? अच्छा अच्छा, बाकी सारी क्लासेस के एक दिन वीक है, एक दिन सेक्शन ए का, एक दिन वीक है, इसका डेली है, एक दिन छुट्टी, एक दिन जाना होता है, मेरा डेली है। हाँ जी, इसने डेली जाना होता है। ये देखें अब मैंने इसके कपड़े देने हैं, इसको प्रेस करके ये नहाएगा। साथ साथ मैं दिखाऊंगी आप, मतलब मोइज़ स्कूल। अब मेरी ना वीडियो डेली लेट हो जाती है, अब मोइज़ की वजह से ही हो रही है, क्योंकि ये बेचारा स्कूल में अकेडमी में बिजी हो गया। तो अब आप लोग मेरी हेल्प करें। तो अच्छा मोइज़, तो मैंने जामेश्वरी इसलिए नहीं बनाया, अभी आप कहते हो फिर खाना नहीं खाया जाता, जो स्कूल पानी ले गया था पी लिया था। अच्छा इब्रार फिर मिला चैलेंज वाली वीडियो का, क्या कहता? मिला था, स्कूल गया हुआ है। हाँ जी गया। अच्छा क्या कहता है, खुश है? हाँ खुश था, कहता मैं जीत गया। मैं जीत गया। आज तो नहीं लड़कों ने मजाक किया, उसी को तंग कर रहे थे सारे। क्या कहते थे? चले जी, अब मोइज़ को मैं कपड़े प्रेस कर दूं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मामा अब मेरे लिए क्या कहते हैं स्कूल से आया हूँ ना, तो मैं नहा लिया, तो मामा मेरे लिए बना रहा है पराठा। ये वो मामा है, ये वो मामा, ये मामा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये सच वीडियो तो हमने शुरू की हुई है, सॉरी मुझे लगा अभी वो मुझे मोइज़ की आदत है ना, मतलब वीडियो बनाने की, तो अब मैं मोइज़ के लिए बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि ये स्कूल गया हुआ था, सुबह अंडा स्लाइस खा जाता है, तो फिर सुबह 6:15 बजे तो हो जाता है ये स्कूल, तो आके फिर माशाल्लाह इसको लगी होती भूख। पानी की बोतल मैं इसको दे देती हूँ घर से ही, आटा मैंने गूंथ लिया था जल्दी जल्दी, मैंने कहा मोइज़ ले आना है, तो मैं ना इसका पराठा बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इसका पराठा बना के देने लगी हूँ इसको। आज मोइज़ की रूटीन है, मोइज़ का डे है, मोइज़ की रूटीन दिखा रहे हैं हम। ये मैंने पास साथ इसके लिए अंडा प्याज बनाया है, ये देखिए क्योंकि हमने तो नाश्ता अभी भी किया है, तो ये आ गया है, तो
खाना अभी मेरा बना नहीं, तो फिर मैं इसके लिए नंदा शंडा ही कोई बना। मैंने एक प्याज काटा है, तो एक अंडा डाला है, तो मैंने इसके लिए, ये बड़े शौक से ये खाता है। क्या हूँ मैं? छुरी। ये ले। अब क्या कहने लगे छुरी? ये वो मामा, ये एक दो शायद हाँ पराठा बाल वाले बना के गए थे ना, वही बना रहे ना। मैं इसको मोइज़ को डेली माशाल्लाह कोई ना पराठा डिफरेंट ही बना के देती हूँ। मुझे डिफरेंट मिल जाते हैं, सही है ना। मैंने एक पहले भी जो बना के दिया था अच्छा जी, मोइज का पराठा बना रही हूँ। तो मोइज की एक आदत है ना, स्कूल से आएगा, अंदर गेट गएगा, मम्मा जी रोटी बना दो, मम्मा जी खाना बना दो, अकेडमी अभी खा के माशाल्लाह जाएगा, तो अकेडमी, ये नहीं ज़्यादा नहीं खाता, खाता ज़्यादा नहीं है, तो अकेडमी से भी अंदर आएगा, मम्मा जी खाना बना दो। अच्छा मोई, इसको मैं माशाल्लाह बना के तो देती हूँ चीज़ें, टाइम पे बना के देती हूँ, खाता कम मतलब है, खाता कम है, खाता टाइम से है, वैसे इसको लगता नहीं है, तो जहाँ भी मैं जाती हूँ वो कहते हैं मोइज़ को खाना देती नहीं। तो ये देख ले, अभी स्कूल से आया, ये नहाया, तो मैंने इसका खाना फ़ौरन तैयार कर दिया, तो ये अभी इसका पराठा बन रहा है। ये देखिए जी कितना अच्छा पराठा बन गया। मोइज़ अली खाना खा ही गया तकरीबन, मैं किचन में थी। मोइज़ मज़ा आया पराठे का? अच्छा सही बना है, मामा सही बनाती है बाजी? दोनों ही, मैंने तो देखा भी नहीं, दोनों बाजी सामने बैठी, माँ गोडे दे नाल बैठी, कितना झूठ बोले। ये देखे मोइज़ की क्वालिटी, ये देखे इसने टमाटर और मिर्चे लैदा कर दी, इतना बदतमीज़ है ये, इसको जरा न क्या कहूँ आज मैं, अब शर्म ही नहीं आती। चलें खा लो फिर, मुंह मार रहा है, ठीक है अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्कूल से आके मोइज़ ने खाना छाना खा लिया था, अब मोइज़ का हो गया है ये चाय टाइम। ये देखें जी चाय है, पी रहा है, साथ ये खा रहा है भाईजान। ये मैं लेके आती हूँ जब ग्रोसरी करती हूँ ना, फिर ले आती हूँ कुछ ना कुछ इस तरह की आइटम, तो अगर दिल करे तो फिर खाने के बाद, अगर पेट ना भरे तो फिर अकेडमी जाने से पहले कहता है भाई मुझे ना चाय बना दो, साथ में कुछ ऐसी चीज़ दे दे। क्या खा रहे हो? ओए केक रस खा रहा हूँ अभी, मैं पढ़ रहा था वो देखें। हाँ ये होमवर्क भी खा रहा था ना, ये पढ़ रहा था, ये देखे ये देखे ये देखे इसका रहा बीच में गिर गया। आप चम्मच ले के आओ, ये थोड़ी सी मैंने भी चाय रखी। अच्छा मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं इतनी चाय पीती थी, दो टाइम पीती थी, बड़ा मग्गा रमज़ान में, पहले रमज़ान में मैंने चाय पी है, दूसरे रमज़ान रोज़ा जब आया तो मैंने ना ये देखे, अब गर्म है, गर्म हूँ, जल गया जल गया जल गया, इधर बैठ जाओ सामने सामने बैठ जाओ। तो मैंने फिर ना नहीं पी चाय, मैंने कहा लस्सी पीने का क्या फ़ायदा ऊपर से गर्म मग्गा चाय का, तो वो दिन जाए आज का दिन है, मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय पी नहीं, और मैं आज भी इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में मेरी कोशिश होती है लस्सी पी लूँ, नहीं तो ना पी। मोइज़ ऊपर रखो ना, नीचे क्लीन पे गिर जाएगी। हाँ जी हाँ जी, ले लो ले लो। तो ये मैं भी साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केक लूँगी, थोड़ा सा चस्का कभी कभी लगा लेते हैं चाय। अब मैं आज डेढ़ महीने बाद तकरीबन, नहीं महीना हो गया ईद को, महीना हो गया, मैं आज ये सिर्फ ये डिप करके खाऊँगी जितने में खाया जाएगा, बाकी चाय मैं इन्हीं को दे दूँगी। चले सही तरीके से खाओ, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आपको नहीं पता तरीके से खा रहा हूं, मुझे क्या? हम जैसे हैं वैसे ही आते हैं, मजे के
हमारा नेमत खाना जिंदाबाद। हमारे घर के पास ग्रोसरी शॉप है ना, वहाँ से बहुत अच्छी आइटमे मिलती है वहाँ से ना। बिस्किट भी ले आते हैं अच्छे अच्छे, कोई गेस्ट ही आ जाता है। चले खा लो फिर, मैं भी खा लूँ। मैं भी खा रही हूँ, मोइस भी खा रहा है। तेरी खैर हो जाए। वो फिर गिर गया। अच्छा ये वीडियो वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं इसकी इसीलिए गिर रहा है। वैसे होते भी सॉफ्ट है ना, गिर जाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये मैं खाने लगी। हाँ जी गाइस, ये मैं मोइस को उठाने लगी हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। तो हम लोग ना ऊपर सोते हैं, ये देखो उठ गया उठ गया। तो ये अब मैं हम लोग ये सुबह की रूटीन है हमारी। नीचे गर्मी लगती है तो छत पे बहुत प्यारा मौसम हो गया माशाल्लाह। सर्दी सर्दी वाला ना, जैसे ये ले जी मोइस ने अपना बिस्तर पकड़ लिया, अब भागने लगा नीचे। कुछ नहीं करता, पकड़ता सराना अपना तकिया पकड़ता है और अपना वो बिस्तर पकड़ता है, भाग के नीचे आ जाता है, वजू करके नमाज पढ़ लेता है। ये जा रहा है, ये देख लें नींद में, ये देख लें तकिया पकड़ लिया है, साथ में वो अपना कंबल सब पकड़ लिया है, चले आँखें बंद है ऊपर से। चलो ये हमारे माशाल्लाह ना पिछली गली में घर के पास ही मस्जिद है, तो कितना प्यारा पढ़ रहा है मौलवी, आवाज़ आ रही। इसकी आवाज़ से ना हम लोग जब अज़ान होती है, ये बाद में ये पढ़ता है तो फिर हम उठ जाते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी सी भी, अभी रोशनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ये ऊपर मैंने लाइट भी जला ली थी मोबाइल की, भी अंधेरा अंधेरा था। तो साथ में चिड़ियाँ देखे बोल रही है, ये सामने जो मैंगो का दरख्त है ना, तो चिड़ियाँ माशाल्लाह बोलती हैं, बहुत बोलती हैं। ये देखिए ये चिड़ियाँ सोने ही नहीं देती हमें, थोड़ा सा भी अभी अजान होती है तो ये बोलना चाहिए। ये मैं नीचे जा रही हूँ सीढ़ियाँ उतर के, मोइस पहले उतर गया, देखें उसने लाइट भी नहीं जलाई, नीचे वाले पूछ रहे थे। ये मैं जा रही हूँ, ये देखें नीचे अंधेरा होगा, बोले देख ले वही बात है उसने। मोइस इधर देखो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी मोइस ने अब सलाम लिया। मैंने सब जब उठा था ना, कल मैंने दिखाई मोइस की स्कूल से आने की रूटीन, आके क्या करता है, आके नहा के खाना खाता है, फिर थोड़ी 10-15 मिनट आधा घंटा लेट जाता है, फिर अकेडमी जाता है, फिर होमवर्क करता है तो फिर होमवर्क करके अकेडमी चले जाता है, अकेडमी से आके ये रात 7:30-8 बजे आता है, फिर खाना खा के ना थोड़ा सा ये टीवी देखता है, तो फिर वीडियो शीडियो देखता है जो हमने बनाई होती है, तो फिर सो जाता है। तकरीबन ये ईशा की नमाज़ पढ़ते ही 9 बजे सो जाता है। तो इधर तो देखो, तो सुबह में मुझे लगा, मैंने उसको उठाया, हम लोग ना ऊपर सो रहे हैं, 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा है, तो मतलब पहले भी गर्मी है तो एंजॉय करते हैं, ऊपर सो जाते हैं। तो मैंने इसको उठाया, मैंने देखा सोया हुआ उल्टा, सराना इसका कहीं होता है, मैंने कहा चल इसकी वीडियो बनाती हूँ, मैंने थोड़ी सी बनाई उसका क्लिप डालूँगी मैं। तो आज ये स्कूल जा रहा है, मैंने कहा चले शुरुआत भी इससे की थी, एंड भी इस पर भी करते हैं। मोइस इधर देख, सुबह सुबह फ्रेश और नहा ली है, मैं नहा इसको ना नहा के भेजती हूँ, ये देखें नहा ली है, टाई शाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगा ली, टाई लगाओ। तो माशाल्लाह ये अब इसने नाश्ता कर लिया हल्का फुल्का ही, तो अब ये अपना मैंने वो देखे बाहर लगाई हुई है, अपनी रूटीन के हिसाब से हम चलते हैं। ये नमाज कराने पाक पढ़ के ये अपना तैयारी, नहा के तैयारी शुरू कर दी इसने, तो मैंने तो अपना नमाज कराने पाक पढ़ के तो मशीन लगा ली। आगे मोइज़ मेरे साथ कपड़े आप धुलवाते हैं, आज आपको धोने पड़ेंगे ये कपड़े मेरे साथ, ये संडे को या मतलब सैटरडे संडे लगाऊं तो फिर ये साथ, अब स्कूल ओपन हो गया तो मैंने इतना लालच तो नहीं ना करना कि जब ये घर हो फिर मैं मशीन लगाऊं। तो मैंने मशीन लगाई हुई है, ये तैयारी कर रहा है, तो चले मैंने कहा साथ इसको मैं वीडियो दिखाती हूँ भी ये स्कूल जा रहा है। तो पानी की बोतल लेके जाना, पानी का मैं इसको ना देती हूँ साथ ही, भी गर्मी बहुत है। अच्छा आज फिर बड़ी गर्मी है, दिल घबरा रहा है। अच्छा जी
ये परफ्यूम लगा रहा है, ये देखे इसकी तैयारी फुल लड़कों वाली, क्रीम 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 क्रीम। सुबह ये ड्रेसिंग के आगे इसके तकरीबन कब का खड़ा है, मैं तो भाई से देख के आ गई हूँ, मैंने कहा चले मैं वीडियो करना करती हूँ एंड। कंघी भी सही करो ना, हाँ देखे ज़रा अभी भी मैं कंघी इसकी मैं करती हूँ। हाँ कहता हूँ अच्छा, चलो फिर अल्लाह पाक खैर करे। तैयार हो गया मोइस, स्कूल का टाइम हो गया, ये 6:05-10 भी चला जाता है। कहता मामा फिर ना लेट हो जाता है, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो गर्मी बहुत लगती है, चले जाके बंदा फ्रेश फ्रुश हो जाता है। हमने बेड शीटें वगैरह उतारी हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ, चलो फिर पकड़ो बैग के भी है टाइम। नहीं नहीं टाइम हो गया, चले फिर वीडियो एंड कर दे। लाइक सब्सक्राइब, जिसने हमें सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया वो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कर दें। तो हम इसी तरह यहाँ डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग बना रहे हैं, तो आज हमने सोचा ये बना लेते हैं, चले कोई थोड़ा सा शेयर ही करना होता है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, खुश रहिए, प्यार बांटिए, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। हाँ जी आप क्या कहोगे? तो आज मेरी रूटीन मामाने का है, जिस तरह अगर मैं सुबह सुबह इस तरह उठता हूँ तो माँ से पढ़ के फिर तैयारी करने लग जाता हूँ, उसमें फिर स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल से आके फिर खाना खाना आके खाना सारा दिन चल से चली मुझे थक जाते हो। हाँ जी थक जाते हैं, होमवर्क करने लग जाते हैं, होमवर्क करके अगर आधा घंटा बच जाए तो स्कूल वाले भी तो अब कसर निकाल रहे हैं ना बच्चे, जिस जो 10-15 दिन वो स्कूल खोलते हैं ना तो उन दिनों में वो इतना काम देते हैं, इतना काम देते हैं, होमवर्क दे ही जाते हैं, दे ही जाते हैं, बच्चे सो नहीं पाते। मतलब मैं तो फिर भी कहती हूँ मैं तो सारा दिन बेचारा लगा रहता है। उसके बाद फिर एकेडमी, एकेडमी से आके हाँ जी एकेडमी वालों ने अपना काम कराना होता है, स्कूल वालों ने अपना कराना होता है, तो इसी तरह फंसे हुए हैं। तो मेरी वीडियो शेयर करने का यही मकसद है, अभी मोइज़ की रूटीन में दिखाती हूँ मोइज़ कितना फंसा हुआ है। तो अगर वीडियो में कुछ रह जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो माजरत के साथ। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, तो हमें भी खुश रखे, हमारे लिए दुआएं ज़रूर किया करें, हम अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। चले मोइज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो एंड कर, अल्लाह हाफिज़।